दोस्तों सलाम नमस्कार सत श्री अकाल, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों क्या कभी मूर्तियां चल सकती हैं? क्या कभी आपने ईश्वर को खुद ही चलकर आते हुए देखा है? क्या दोस्तों इस दुनिया में ऐसी चीजें होती हैं जिसको देखने के बाद कई बार आपको लगता है कि कोई ना कोई तो ऐसी शक्ति है जो कि इस दुनिया को संभाले हुए है? क्या आपको लगता है भूत प्रेत हमारे बीच होते हैं? क्या कोई बड़ा स्टैचू आपने कभी चलते हुए देखा है अपने आप से? नहीं ना। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको कुछ ऐसी ही चीजें दिखाने वाला हूँ जिसको देखने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। बस आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और संग में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। नंबर वन, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं एक ऐसा नजारा जहां पर एक स्टैचू को खुद ही प्रेयर करते हुए देखा गया है। जी आप देखिए इस स्टैचू को, इसके आगे आकर सब प्रेयर करते हैं, लेकिन अचानक ही क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता और लोगों के साथ ये स्टैचू भी कुछ बोलने लगा। हालांकि मैं आपको बता दूं वीडियो की क्वालिटी बहुत लो है, ऐसे में लोगों को शायद ये ना दिखे आखिर यहाँ पर क्या हुआ है। लेकिन आपको बता दूं यहाँ पर जब इस स्टैचू के सामने प्रेयर की जा रही थी तभी अचानक ही स्टैचू भी लोगों के सामने गाने लगा। जिन्होंने सामने से देखा उन्हें पता है कि स्टैचू के लिप्स ऊपर नीचे की तरफ हो रहे थे और ये बताने के लिए काफी है कि कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में कभी सोचा नहीं जा सकता था। आप ये देखिए नजदीक से, शायद आपको दिख जाए कैसे लिप्स ऊपर नीचे हो रहे हैं। वाकई में सबसे अजीब घटना है। आप बने रहिए हमारे संग, आगे और भी घटनाएं मैं आपको दिखाने वाला हूँ। नंबर टू, दोस्तों मैं आपको एक दूसरी तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ जिसको देखने के बाद आपके होश उड़ने वाले हैं। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि कोई मूर्ति रो भी सकती है? जी हाँ ऐसा ही हुआ। अगर आपको यकीन नहीं तो आप ये देख लीजिए। ये मामला है मैक्सिको देश का। यहाँ आप देख सकते हैं चर्च का एक स्टैचू है जहाँ एक महिला खड़ी हुई है। लेकिन दोस्तों 2018 में न जाने क्या हुआ अचानक इस महिला की आंखों से आंसू निकल आए। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये एक दिन देखने को मिल जाएगा। लेकिन वो कहते हैं ना तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती है और वही चीज यहाँ पर भी देखने को मिली। यहाँ आप देखिए कैसे स्टैचू से लगातार आंसू आ रहे हैं। आप ये देखिए कैसे स्टैचू के सामने खड़े होकर सब देख रहे हैं। सबके लिए बहुत ही नई बात है, सबको लग रहा होगा आखिर ये कैसे हो सकता है। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं सबसे अजीब बात जो यहाँ दिखी वो ये थी कि यहाँ पर लड़की के आंसू से गुलाब के फूलों की सुगंध आ रही थी। सबको लगा भाई ये पॉसिबल कैसे है, लेकिन ये घटना सबके सामने हो रही थी। आपको बता दूं स्टैचू से निकले हुए जो आंसू थे ना उसको रिसर्च करने के लिए भेज दिया गया, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला है। कई सारे वैज्ञानिक आए लेकिन किसी को ये पता नहीं चला आखिर वजह क्या थी आंखों से आंसू आने की, आखिर आंसू कहां से आ रहे थे, किसी भी स्टैचू की आंखों से इतने रियल आंसू कैसे निकल सकते थे। इन तमाम सवालों के जवाब आज भी ढूंढे जा रहे हैं लेकिन आज तक कुछ भी नहीं मिला। आपको क्या लगता है हमें कॉमेंट करके आप बता सकते हैं। नंबर थ्री, दोस्तों मैं आपको दिखा दूं एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश को बदल कर रख दिया। आपको जानकर हैरानी होगी साल 1995 में हमारे देश में एक ही दिन कई जगहों पर ऐसी घटना हुई जिसको देखने के बाद सबके होश उड़ गए। एक दिन दोस्तों अचानक ही खबर आई कि भगवान गणेश लगातार दूध पी रहे हैं। जी हाँ, जो भी चम्मच में दूध लेकर आता था कुछ ही देर में ईश्वर उस चम्मच को खाली कर दिया करते थे। ये बात पूरे भारत देश में फैल गई, पूरे देश में इस बात को लेकर चर्चा होने लगी। सबको लगा आखिर ये कैसे हो सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो तस्वीर है वो सबके सामने है। कहते हैं कि देश के हर कोने में भगवान गणेश को दूध चढ़ाया गया और हर जगह बात वही थी, हर जगह भगवान गणेश ने दूध पिया। वाकई में घटना किसी को भी चौंका दे। सबको लगा कि ईश्वर धरती पर आ चुके हैं, सबको लगा ईश्वर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वही इस दुनिया को संभाल रहे हैं। लेकिन दोस्तों सबसे मजेदार बात तो ये थी हमारे देश के लोग ही सबसे अनोखे हैं। जैसे दूध की डिमांड अचानक ही बढ़ गई वैसे दोस्तों जो दूध बेचने वाली कई कंपनीज थी उन्होंने अपने रेट बढ़ा दिए। सबको लगा भाई यही समय है कमाने का। हालांकि आपको बता दूं कई बुद्धिजीवियों का ऐसा कहना था ये तो लोगों की आस्था है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन दोस्तों आज तक इसका सही जवाब किसी ने भी नहीं दिया कि आखिर क्या वजह हो सकती है, आखिर क्या वजह थी कि भगवान गणेश ने एक ही दिन में देश के हर कोने में दूध पिया। आज भी सवाल पूछे जा रहे हैं लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। अच्छा आपको क्या लगता है इस घटना के बारे में आप कमेंट करके बता सकते हैं। प्लीज वीडियो में एंड तक हमारे संग बने रहिए, ठीक है? नंबर फोर, दोस्तों मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कुआलालंपुर का नजारा। जी हाँ दोस्तों यहाँ पर कुछ साल पहले ऐसा देखने को मिला जिसको देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। क्या आप यकीन कर सकते हैं यहाँ पर बुद्ध के स्टैचू में अचानक ही मूवमेंट दिखी। कहते हैं कि ये मूवमेंट अचानक ही शुरू हो गई लेकिन उससे पहले एक तेज रोशनी आई थी मूर्ति के अंदर से। आप ये देखिए कैसे यहाँ पर भगवान बुद्ध की मूर्ति बोलते हुए आपको दिखाई देगी। आप यहाँ पर देखिए ईश्वर के जो होंठ है वो आपको ऊपर नीचे होते हुए दिखाई देंगे। ये वाकई में सबसे हैरान करने वाली तस्वीरें थी। सबको लग रहा था कैसे ये हो सकता है लेकिन दोस्तों सच्चाई आपके सामने है। यहाँ पर सिर्फ एक या दो मूर्तियों में इस तरह का नजारा नहीं दिखा, यहाँ पर तकरीबन 10 से ज्यादा स्टैचूज थे जिसमें इस तरह के मूवमेंट देखे गए। आप ये देखिए यहाँ अपर लिप्स की मूवमेंट जो है आप साफ साफ देख सकते हैं। यहाँ पर लोगों को लगे यार कुछ तो चमत्कार हुआ है, क्योंकि सबको समझने की जरूरत है कुछ तो ऐसी बात हुई है जो आज तक नहीं हुई थी, कुछ तो ऐसी ताकत है जो हमें समझ में नहीं आती। दोस्तों हैरान करने वाली बात तो ये भी थी कि ये चीज कई दफा देखने को मिली, कई बार इस तरह की बातें हुई, कई लोगों ने इसके ऊपर सवाल उठाए। लेकिन वही बात है ना, जो सवाल उठाते हैं वो सिर्फ सवाल ही उठाते हैं क्योंकि जवाब उनके पास भी नहीं था। सबसे बड़ा सवाल ये था कि अगर ये सारी चीजें झूठी हैं, तो
तो कोई प्रॉपर सबूत क्यों नहीं देता है। आज भी इन सारे मुद्दों पर रिसर्च की जा रही है। नंबर 5, दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ एक और ऐसी तस्वीर जिसको देखने के बाद आपको लगेगा ये कैसे हो सकता है, लेकिन दोस्तों इस तस्वीर को आप बहुत ही गौर से देखिएगा। जी हाँ, आप यहाँ देख सकते हैं एक स्टैचू बनाया गया है जो कि देखने में बिल्कुल रियल लग रहा है। इस लड़की को आप देख लीजिए, आपको नहीं लग रहा यहाँ पर सच में एक लड़की बैठी हुई है? लेकिन दोस्तों ये है एक मूर्ति। आपको जानकर हैरानी होगी, ऐसी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई थी। अब मैं आपको वही तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ, आप ये देखिए कैसे इस लड़की ने अपने पोस्टर को बदल लिया। ये बहुत ही गौर से देखने वाली चीज है। आप ये देखिए पहले इनके हाथ की पोजीशन कैसी थी और कुछ देर बाद कैसी हो गई। कहते हैं लड़की का स्टैचू कई बार ऐसी ही अपनी जगह बदलता रहता है और लोगों को चौंकाता रहता है। वाकई में देखकर किसी के पसीने छूट जाए। क्या आपको लगता है वाकई डरावनी बात है? क्योंकि ऐसा कहा जाता है स्टैचू के आसपास कोई रात में कभी नहीं गुजरता। लोगों के मन में डर सा बैठ गया है। बात तो सही है, जब कोई स्टैचू दिन भर में एक या दो बार नहीं बल्कि 10 बार अपनी पोजीशन बदलेगा तो बिल्कुल डर बैठेगा। लोगों को इसके सामने भी जाने से डर लगता है दोस्तों। नंबर 6, अब मैं आपको दिखाता हूँ एक और ऐसी फोटो जिसको देखने के बाद आपको लगेगा वाकई में कुछ तो बात है इस दुनिया में। कोई तो है जो पूरी दुनिया को समेटा हुआ है। आप ये देखिए, ये नजारा है पोलैंड का, जहाँ पर अचानक एक धार्मिक स्टैचू मूवमेंट करने लगा। आप ये देखिए कैसे सिर ऊपर नीचे हो रहा है। आप गौर से देख सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इनकी मूवमेंट समझ में आ जाएगी, कैसे इन्होंने अपने गार्डन में मूव किया। वाकई में चकित करने वाली घटना थी। कई लोगों को ये फेक लग सकता है, लेकिन बाद में ऐसा पता चला है कि ये फेक नहीं है बल्कि 100% रियल वीडियो है, और इसके बाद लोगों के होश उड़ गए। वैसे दोस्तों आप कहां से हमारी वीडियो देख रहे हैं हमें आप कमेंट करके जरूर बताइए, किस शहर से, किस गांव से, किस देश से। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। नंबर 7, आपको बता दूं कहा जाता है इस देश में बहुत सी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज देखने को मिलती रहती है। आपको बता दूं एक ऐसी ही घटना नोट की गई जब एक पार्क में अचानक एक महिला के स्टैचू की पलकें झपकने लगी। क्या आप सोच सकते हैं ऐसी भी घटना घट सकती है? लेकिन ये बिल्कुल सच है। आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों रिपोर्टर्स की एक टीम जो वहाँ पहुंची थी उस भूतिया पार्क में, जहाँ के बारे में कहा जा रहा था कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज देखने को मिलती रहती है। दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ये थी कि रात के 12 बजे के बाद ये अपने आंखों की पलकों को ऊपर नीचे करती है। आप ये देखिए कैमरे के सामने भी स्टैचू ने ऐसा करके दिखाया है। इस घटना के बाद वाकई में सब बहुत डर गए। सबको लगा यार कोई तो नेगेटिव शक्ति है जो इस तरह का काम कर सकती है। वाकई में ये बहुत ही डरावनी तस्वीर है। नंबर 8, अब मैं आपको दिखाता हूँ इंग्लैंड के मैनचेस्टर शहर की एक तस्वीर जहाँ पे कुछ ऐसा हुआ जिसको देखने के बाद कोई भी डर जाए। क्या आप यकीन कर सकते हैं एक स्टैचू जिसके अंदर कोई जान नहीं है वो अचानक ही मूवमेंट करने लग जाए? अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देख सकते हैं। जैसी सबकी नजर स्टैचू से हटती है वैसे ही अचानक मूव करने लग गया। वैसे भी दोस्तों कहते हैं कि इजिप्ट में बहुत ज्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती रहती है। यहाँ का नजारा भी ठीक वैसा ही है। आप देखिए कैसे मूर्ति अचानक ही फेस टर्न कर लेती है। अब आप ही बताइए इस तरह की घटना के लिए आप क्या कहेंगे? क्या एक नॉर्मल सी घटना है या कोई बड़ी घटना है? आपको क्या लगता है आप कमेंट कर सकते हैं। नंबर 9, दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ एक और इस तस्वीर, लेकिन इस बार अपने देश भारत की है। क्या आप यकीन कर सकते हैं एक इंसान ने माँ काली की तस्वीर लेने की कोशिश की, लेकिन जब वो तस्वीर निकाल रहा था तभी माँ काली अपनी पलके छपका लेती है। आप ये देखिए यहाँ का नजारा, आप खुद ही समझिए यहाँ पर क्या आपने देखा। हालांकि इस वीडियो में कुछ भी साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है दोस्तों, लेकिन सीधी सी बात है कोई भी एक पल के लिए चौंक जाएगा। इसलिए जो इस तस्वीर को क्लिक कर रहा था वो भी वाकई में हैरान हो गया। उसे भी लगा यार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, माँ अपनी पलकों को इस तरह से ऊपर नीचे कैसे कर सकती है। वाकई में दोस्तों कई बार इस तरह की घटनाएं हमको देखने को मिल जाती है जिस पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और ये बात बताने के लिए वाकई में काफी है कि कोई तो शक्ति है जो हम सबको चला रही है। कुछ तो ऐसा है जिसके बारे में हम सब अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। इस तरह की घटनाएं कई बार हैरान कर देती हैं। नंबर 10, अब मैं आपको दिखाता हूँ एंड में एक ऐसी तस्वीर जिसको देखने के बाद आप कहेंगे वाकई में कुछ तो अलग है यहाँ पर। आप ये देखिए ब्राजील के इस वर्ल्ड फेमस स्टैचू को। आपको जानकर हैरानी होगी यहाँ पर जो दिखा उसको देखने के बाद वाकई में सारे के सारे लोग हैरान रह गए। दोस्तों दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कैसे आपको हार्ट बीट होती हुई नजर आ रही होगी, है ना? आप ये देखिए कैसे लाल कलर का हार्ट आपको साफ साफ नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों आपको दूसरी तस्वीर में सब कुछ दिख रहा है सबसे अलग। आप यहाँ देख सकते हैं कैसे स्टैचू का हाथ पहले से काफी ज्यादा मुड़ा हुआ है। आप ये देखिए बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है कैसे हाथ जो है वो टर्न हो चुका है। वो कहते हैं ना कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में, वही समय हम देख रहे हैं। दूसरी बात बिल्कुल सच है कि हम सब इस दुनिया के बारे में सब कुछ अच्छे से नहीं जानते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर से पर्दा उठना बाकी है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको कोई साबित नहीं कर सकता। उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारा एपिसोड पसंद आया होगा। प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपकी कोई राय हो, एंड ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर मेरे चैनल।